अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएफ किचन। आज हम बनाएंगे कम मसालों के साथ मेथी कीमे की रेसिपी, जो झटपट बनके रेडी हो जाती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके अंदर 3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद इसके अंदर 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच हमने हरी मिर्ची को दरदरा कूट के ले लिए। अब इसके अंदर 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से तेल में हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब अदरक लहसुन और हरी मिर्ची अच्छे से हमारा तेल में भून चुका है। ये 300 ग्राम कीमे को अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी हमने निकाल लिए। अभी इसे हम इसमें डाल देंगे। ये रेसिपी बहुत सिंपल है और कम मसालों के साथ हमने ये रेसिपी बनाई है। कीमा डालने के बाद मसाले में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम नमक डाल लेंगे। हमने 1/2 चम्मच नमक डाल लिए और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और सारे मसाले को कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, जो कीमे का पानी छूटेगा वही उसमें ही हमें कीमे को गला लेना है। इसे 5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। अब मेथी ले लेंगे। ये 2 बंच मेथी को अच्छे से हमने साफ कर लिया। इसे 3-4 पानी से वॉश कर लेंगे। अब 5 मिनट बाद लीड खोल के कीमे को ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी कीमा हमारा 50% गल चुका है। अब इसके अंदर जो मेथी वॉश करके रखे थे वो डाल देंगे। अब मेथी के पानी से हमें कीमे को अच्छे से पका लेना है। अभी अच्छे से मेथी को कीमे में मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी को आप भी ज़रूर एक बार बनाना। अभी मेथी भी कीमे में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी इसे स्लो फ्लेम करके ढककर 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे। अब 10 मिनट बाद लीड खोल देंगे। अभी मेथी कीमे को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका सारा पानी सुखा लेंगे। कीमा अच्छे से हमारा गल चुका है और मेथी भी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। लास्ट में इसमें हरा धनिया डंडी के साथ कट करके डाल देंगे। इससे खुशबू और टेस्ट अच्छा आता है। अभी इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और सारा पानी कीमे का सुखा लेना है। गैस का फ्लेम हाई रख के हमने कीमे का सारा पानी सुखा लिए। अब हमारी मेथी कीमा रेडी है। इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। इसे आप रोटी के साथ या जवारी की रोटी के साथ सर्व कीजिए। सिंपल और इजी तरीके से ये रेसिपी कम मसालों के साथ हमने बनाई है। ये रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करना। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।